पूजा पाठ करके पूरा हवन करके और कायदे से गए, जहाँ जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं, ऐसा कुछ जहाँ रुकते हैं वहाँ पूजा करते हैं। सामने से ही नहीं बनेगी, तैयारी है तैयार करने के लिए एक नया कैंप बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रहने का अपना होता है, खुल करके अपना काम कर सकता है। 3 तारीख को जो रैली है कांग्रेस की, जाएंगे उसमें? इधर देखिए सर, कहाँ नहीं जाएंगे, हाँ हमें चाप दिया तुम ऊपर से देखिए, कयास लगा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा राजद। शत्रुघ्न अंकल से तो बातचीत होते रहता है, और घर भी हम थाना में खोज पर गया, बन पा गया रामायण ऊपर से लिया, बातचीत तो होते रहता है। कृष्णा जी बहुत हल्ला करते हैं, अभी भी बुला रहे हैं, अभी आ जाएं तो अभी जनता दरबार में आ जाए हमारे। ऋषि जी से हमारी बात हुई थी, दिल्ली गए हुए थे, तो तमाम लोग भाई नीचे रखे ना पंजाब के, बैठ करके हम नहीं तो मुंह पर आ जाता है ना, निर्धारित किया जाएगा कि किस डेट को एल्फा मूवमेंट करना तो है ही, एल्फा मूवमेंट होगा। विरोधियों को एक तरह से मैसेज भी देने की कोशिश है, जो बार बार आप दोनों भाइयों के बीच में मनभेद की बात करते थे, तो एक मंच पर जब आप एक साथ एलपी मूवमेंट करेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा, ये भी एक कोशिश है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग रहेंगे और इसको तय किया जाएगा, तो इसका मैसेज चला जाएगा लोग। बोलिए ना अभिजय जी, कोई भाई चुनाव लड़ रहे हैं? भैया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये चुनौती दी है कि कोई भी आदमी इधर देखिए भैया, सामने देख के बोलिएगा भैया, इधर देखिए भैया, इधर देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कौन कहां से लड़े। हम दोनों भाई को मतलब कि इनके क्या हमारे चेले लोग ही लड़ेंगे तो इनको हरा देंगे। वाह मैं के आपको लगता है कि मौका है जहां मागड़, अरे यार कुछ क्या करेंगे तो चलो भाई, तो ऐसा कीजिएगा तमाम लोग एकजुट होकर के प्लेटफॉर्म पे इसका सफाया, जिस तरीके से जनता को धोखा देने का इन लोगों ने काम किया, हरास हो चुकी है पूरी जनता, पूरी जनता हरास हो चुकी है, इस तरीके से दबा करना।